सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। सर हम लोग को ये वाली ज्वाइन करने की दूसरी वाली करनी है। कुछ बच्चे सर तुम लोग 2-1 में हो या 2-2 में हो? जितने सर 2-1 के डबल हैं ई वो यहाँ पे, हाँ डबल ई 2-2 के हैं पीसी सर। 2-1 में जो है वो यहाँ पे बेटर है। नहीं सर हम लोग नहीं, डबल ई सर ईसी 2-1 के बच्चे इस ग्रुप में नहीं है जिसमें आपने लिंक भेजी है। ये डबल ई में आई है क्या सर आपने EC24 में भेजी है लिंक? जिन्हें, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटे। सर आपने EC24 में भेजी है लिंक? यस सर। सर कैसे पता चले कि ये 2-1 का है कि 2-2 का है अरे या हम टू लोग फोर का ईसी है? टू हम लोग ईसी 24 में है ना भाई उसमें लिखा है कि 1 से 30 तक के रोल नंबर वाले सारे होंगे, वो सब EC21 में होंगे। पता नहीं क्या कंफ्यूजन है यार, कुछ समझ तो में नहीं वो आ रहा। लोग ईसी के बच्चे हैं, वो लोग ईसी के हैं। हाँ अच्छा इलेक्ट्रिकल वालों का वो 24 में ही रहेगा ना? इलेक्ट्रिकल के सारे कोमल शायद। तुम्हारी भी बेटा वॉइस बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे केवल EC21 वाले जो बच्चे हैं वो रहेंगे। डबल ही नहीं रहेगा ना सर इलेक्ट्रिकल वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे सर? डबल ई या वाले सर, हम उम्मीद करें फिर। सर हेलो सर, सुनो मेरी का सर आवाज आ कुछ रही है अभी? हमें लग रहा है सर के यहाँ ही अरे नेटवर्क इलेक्ट्रिक, नहीं है। हाँ सर का नेटवर्क इलेक्ट्रिकल गड़बड़ कर रहा है, मेरा आ रहा प्रॉब्लम। है शायद। हाँ वही तो, तुम्हारी भी यार आवाज क्लियर आ रही है। ये हम लोग की अरे क्लास नहीं है शायद, हम लोग की दूसरी क्लास है। ये हम लोगों की क्लास नहीं है पहले भाई। पहले भाई पता कर लो फिर डिस्कनेक्ट करते हैं। तो पहले कैसे पता कर पता लो फिर डिस्कनेक्ट करते हैं। तो अरे परसों सर से पूछो पूछो। सर, केमिस्ट्री केमिस्ट्री बेटा पढ़ाएंगे ये, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री ट्यूट है। केमिस्ट्री अरे नहीं है भाई, हम लोग की क्लास ये 2-4 की नहीं है, 2-1 की है। ठीक केवल है टू वन बाहर वाले बाहर रहेंगे, 2-4 वाले यहाँ होता नहीं रहेंगे बेटा। ठीक है सर। पता नहीं सर, हम तो क्लासरूम 2-2 वाले जितने भी बच्चे हैं बेटा वो दूसरी क्लासरूम में ज्वाइन करेंगे। तो चलिए फिर, हमको लग रहा है ये सब वही ग्रुप से ज्वाइन कर लिए। उसको दोनों लोग पोस्ट करेंगे, मैं ये ग्रुप इन द सेंस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन किया जाए। सर
गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को वॉइस अभी क्लियर आ रही बेटा? वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर आ रही है सर। नंबर 29 आशीष राय बेटा, इस बार कोई मतलब नहीं है ये चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करने का। देखो डेली जब भी क्लास होगी लैब होगी डेली, तो लोगों की अटेंडेंस प्रॉपरली रोल कॉल के साथ होगी। तुम्हारा रोल नंबर हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तुम्हें प्रेजेंट लगानी होगी अपनी, और वो उसी के बीच में कुछ रैंडम लोगों का को वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? जिसको भी हम बोलेंगे तो अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा जब तुम्हारी क्लास अटेंडेंस हो रही है, और इन बिटवीन लैब जब मान लो लैब चल भी रही है तो जिससे बोला जाता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगी कि किसी से भी कभी भी वीडियो ऑन करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक? तो फर्स्ट ईयर में तुम लोगों का एक सब्जेक्ट होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसी से रिलेटेड तुम्हारे यहाँ पे लैब भी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक लैब। अच्छा सब इस लैब में इस लैब में 10 एक्सपेरिमेंट करते हैं, और दसों एक्सपेरिमेंट तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से, इसमें कुछ तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, कुछ तुम्हारे डिजिटल सर्किट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ तुम्हारे कम्युनिकेशन से, जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट डिवाइड है डिफरेंट एरियाज में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इमर्जिंग एरियाज है उनमें उनका बेसिक नॉलेज तुम्हें जैसे सब्जेक्ट में देखने को मिलता है, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया के बेसिक नॉलेज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, ताकि तुम जो चीजें तुम क्लास में थ्योरी में पढ़ो उनको आप एक्सपेरिमेंटली भी थोड़ा सा जज कर सको कि हाँ एग्जैक्टली जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है? तो इस लैब का तुम्हारा ये एक्टिविटी चार्ट है, सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यहाँ पे टोटल तुम्हारे 10 एक्सपेरिमेंट, और इसमें अप्रोक्स स्टार्टिंग के जो ये आठ एक्सपेरिमेंट हमारे दिख रहे हैं, ये सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, और लास्ट के जो ये दो एक्सपेरिमेंट है ये तुम्हारे डिजिटल सर्किट से रिलेटेड है। अच्छा काफी लोग ये लॉजिक गेट इसका नाम जरूर सुन के आए होंगे, आई गेस 11 12th में अब लास्ट में लॉजिक गेट वगैरह मिल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत एक ही का पेपर वगैरह देने के लिए थोड़ी भी प्रिपरेशन की होगी तो लॉजिक गेट वगैरह देखे होंगे। अच्छा
तो क्या होते हैं लॉजिक गेट कोई बताएगा, किसी को पता है? एंड गेट और गेट, और एक और भी होता है नॉट गेट। बेसिकली जो तुम्हारे कोई भी अगर डिजिटल तुम्हें सर्किट बनाना है तो तुम उन डिजिटल सर्किट्स को इन्हीं गेट्स के हेल्प से ही बनाते हैं, है ना? लाइक चाहे वो तुम्हारा ये लैपटॉप क्रिएट किया गया हो या तुम्हारा मोबाइल बना, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस उनमें उनका जो बेसिक एलिमेंट है वो यही गेट्स है। इन्हीं गेट्स को बनाने के तरीके आप बदलते गए, इन गेट्स की हेल्प से और सारी चीजें भी, फ्लिप फ्लॉप और बाकी चीजें भी हम लोग बनाते चले गए, लेकिन जो बेसिक डिजिटल सर्किट का बेस जो है वो तुम्हारे यही गेट्स है। तो इन्हीं ये गेट्स बेसिकली किस तरह से काम करते हैं उनको तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखो। ठीक, यहाँ जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें तुम डिफरेंट एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, कौन कौन से एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से पैसिव कंपोनेंट होते हैं, इन सब के बारे में तुम बेसिकली यहाँ पे देखोगे, स्टडी करोगे कि एक्टिव कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। जैसे तुमने एक नाम सुना होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और जिन्होंने नहीं सुना है वो आगे जाके अभी इस इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में 100% सुन लेंगे इसका नाम। ठीक, तो ये तुम्हारी एक एक्टिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइसेस वो जो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड कर सकते। ठीक, ऑपएम के साथ साथ इस तरह से आपने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ी होगी तो वहां पे डिफरेंट जब सर्किट देखते हो सर्किट में डिफरेंट करंट सोर्स देखते हो, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स देखा होगा, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है वो तुम्हारे एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं क्योंकि ये खुद से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं सर्किट, राइट? ये ऐसा नहीं है कि इनमें कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, ये पूरे सर्किट को एक तरह से चला रहे, पूरा सर्किट इसी सोर्स पे, इसी एनर्जी सोर्स पे डिपेंडेंट है जो भी सर्किट की वर्किंग। तो ये करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, ये सब किस तरह से काम करते हैं, इनका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ भी अगर जब हम इनको सर्किट में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना होता है हमें, ये सारी चीजें आप इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टडी करोगे। साथ में जो तुम्हारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं लाइक तुम्हारा रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब तुम्हारे पैसिव कंपोनेंट। अब जैसे हम बताया हमने कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक्टिव कंपोनेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और पैसिव कंपोनेंट एनर्जी सर्किट में प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे जब हमने नाम लिया कैपेसिटर, तो आई गेस सभी ने कैपेसिटर को कहीं ना कहीं 11th 12th में पढ़ा सुना होगा, नहीं 11th 12th में तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखा होगा। ठीक, तो हमें पता है कैपेसिटर की अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है। तो कहीं ना कहीं जब कैपेसिटर मान लो हम कहीं से चार्ज करके अगर हम कैपेसिटर को रख दें अपने सर्किट में तो वो भी तो एनर्जी का सोर्स हो सकता है, फिर भी हमने इसको पैसिव कंपोनेंट बोला। क्यों? क्योंकि देखो एक्टिव कंपोनेंट की बेसिक डेफिनेशन ये है कि वो कंपोनेंट जो कंटीन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक, कैपेसिटर एक सर्टेन टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, पर जो वोल्टेज सोर्स हम लगाएंगे वो तुम्हारा ऐसे डिस्चार्ज होने वाला नहीं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात है ना। तो इस तरीके से और कौन कौन से तुम्हारे डिफरेंट एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट है उन सबकी यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टडी करनी। हाँ बेटा, सर बैटरी भी तो सर कुछ समय बाद सर हो जाती है सर, पर हम लोग उसे एक्टिव में रखते हैं। देखो बैटरी का और कैपेसिटर का दोनों का फिनोमेना अलग अलग है। ठीक है, बैटरी को आप एक्टिव में लेते हैं लेकिन वो इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कैपेसिटर इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है। और
अच्छा नेक्स्ट हम बेसिकली देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब जो लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं जानते वो घर में कोई भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखी हो, तुम्हारे घर में किसी बच्चे का कोई टायर रखा हो, ऑटोमेटिक टायर रखा हो या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान रखा हो जो खराब हो गया हो, उसको खोल के देखना अंदर तुम्हें ग्रीन कलर की प्लेट मिलेगी जिसपे काफी ज्यादा सोल्डरिंग हो रखी होगी, ऊपर से कुछ और एलिमेंट्स भी लगाए गए होंगे। तो वो जो ग्रीन कलर की तुमने वहाँ पे जो प्लेट टाइप की रखी हुई देखी ना, वही बेसिकली क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक, इसका यूज क्या है, जब मान लो हमें कोई सर्किट डिजाइन, ठीक, एक तरीका हो गया हम एक एक कंपोनेंट को अलग अलग ऐसे ऐसे करके जोड़े, उसके लिए वायर कनेक्ट करें। दूसरा तरीका मेरे पास हो गया, हमने एक ऐसी प्लेट बना ली जिसमें हमने अपने सर्किट के हिसाब से केवल वहां वहां पे जगह पे मान लो अंदर से ये मेरे पास एक ऐसे ग्रीन प्लेट होती है, हमें इसमें एक सर्किट बनाना था, ये यहाँ रजिस्टर, ये यहाँ पे एक और रजिस्टर, ये यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाना था और ऐसे इसको कनेक्ट करना, हमें ये सर्किट को सिंपली डिजाइन करना। तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर की जगह ये और ये, ठीक, इस वोल्टेज के लिए यहाँ और ये और इधर, मीनिंग हम कुछ इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि ये इतना एरिया ना रहे, ये वाला इधर ना रहे, ये इधर ना रहे। अब हम कुछ कनेक्शन इस तरह से करेंगे कि जो हमारा सर्किट बोर्ड है इसमें कुछ इस तरह का कनेक्शन हो, मीनिंग हम जब चाहे तो ये जो ग्रीन, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन बनी हुई है ना, ये उसी बोर्ड का बोर्ड में ही हम एक टाइप ऑफ एलिमेंट वहां पे इस तरह से लगा देते हैं कि वहां पे ये कनेक्शन उस बोर्ड में ही हो जाता है, मीनिंग हमें एक्स्ट्रा वायर लगाने की जरूरत नहीं है। हमें बस क्या काम करना होगा, ये तो दो टर्मिनल यहाँ बनाए, यहाँ पे हम अपनी तरफ से रजिस्टर लगा देंगे, ये जो हमने बोर्ड बनाया यहाँ पे जो दो टर्मिनल है यहाँ पे हम रजिस्टर यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। मीनिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो हमने क्या किया, एक बोर्ड लिया, उस पे एक बोर्ड पे ही इंटरनल वायरिंग कर दी, ठीक है, काफी इजी शब्द हो गया वायरिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्टली वायर लगा रहे होते, नहीं, हम उसको एक पहले उसकी एचिंग करते हैं, फिर उसको मेटल में उसको डिप कराते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमने उस बोर्ड पे पहले से ही मार्कर या कुछ एक्स्ट्रा पेंट्स आते हैं, उनके थ्रू हम सर्किट को डिजाइन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जहां जहां पे हमने वो पेन से डिजाइन किया हो वहां वहां पे उस बोर्ड का मेटल रह जाता है, बाकी जगह का मेटल सब हट जाता है। ठीक, उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया ना कि इस सर्किट में ये वायर और ये वायर, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी बोर्ड पे लगी हुई है। हमें इस रजिस्टर को जोड़ने के लिए कोई बाहर से वायर नहीं कनेक्ट करना, ये ऑटोमेटिकली उसी बोर्ड में कनेक्टेड है। ठीक, ये बोर्ड की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके के डिफरेंट टाइप की जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, ठीक, और उसमें जो शोल्डरिंग की टेक्निक्स होती है, शोल्डरिंग मतलब जब तुमने दो वायर्स को या एक कंपोनेंट को जब तुम किसी सर्किट में कनेक्ट करने जाते हो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए तुम्हें किसी तरीके से उसको वहां पे अटैच करना होगा ना, मतलब एक वायर से दूसरी वायर में अटैच करना होगा, या हो सकता है कि रजिस्टर को दो वायर के बीच में अटैच करना हो। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शोल्डरिंग आयरन लेके वहां पे हम शोल्डर करते हैं, मीनिंग मेटली के कनेक्शन बनाते हैं। तो कौन कौन सी शोल्डरिंग टेक्निक हो सकती है वो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे, सेकंड एक्सपेरिमेंट। देन तुम्हारा थर्ड एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो डिफरेंट इक्विपमेंट हमें यूज करते हैं, उन इक्विपमेंट के बारे में हम समझते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट किस तरह से काम करता है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसका बेनिफिट्स है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, कहाँ पे चीजें नहीं हो पा रही है और किस किस यूज में आ रहे हैं एलिमेंट्स,
ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें एक है तुम्हारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर, फंक्शन जनरेटर, पावर सप्लाई, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट और ब्रेडबोर्ड। तो सबसे पहला जो हमने नाम लिया सीआरओ, तो अब तुम्हारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो या मे बी तुम्हारी लैब पे डिजिटल ऑसिलोस्कोप, ठीक है, कोई भी ऑसिलोस्कोप हो, बेसिक उसका काम क्या है, आउटपुट को देखना। मेन उसका काम क्या है कि जो तुमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट देखना ना। तो ये सीआरओ भी बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे आउटपुट को डिस्प्ले करता है। लाइक मान लो हमने कोई वेव का कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह की वेव आ रही है, ऐसे साइनोसॉइडल वेव आ रही है। अब इस साइनोसॉइडल वेव को मतलब इस आउटपुट को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम किसे यूज करेंगे, सीआरओ। वहां तुम्हें लैब में देखना रहेगा कि सीआरओ में किस तरह से हम नॉब्स के थ्रू उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे सीआरओ में अगर हम देखें तो सीआरओ की जो आउटपुट स्क्रीन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, उसमें ऐसे डिविजन्स होते हैं, जैसे तुम्हारा ग्राफ पेपर में डिविजन होते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी डिविजन्स होते हैं। जो तुम ज्यादा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इन इसके बीच में भी कई सारे माइनर ऐसे डिविजन्स होते हैं। तो ये जो बड़े वाले ब्लॉक्स बन रहे हैं इनको मेजर डिवीजन बोलते हैं, और इस तरह से इनके बीच में से जो छोटे छोटे पांच डिवीजन होंगे उनको माइनर डिवीजन बोलते हैं, ठीक। तो जैसे हम नॉर्मली ग्राफ को रीड करते हैं कुछ उसी तरीके से हमें सीआरओ की स्क्रीन भी रीड करनी होती है। हमें हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हाँ ये टाइम एक्सिस है और ये मेरी एम्पलीट्यूड एक्सिस है, तो उस एक्सिस में हम पहले से जैसे हमने जब हम पहले 11 12 में ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ बनाते टाइम पे हम एक चीज डिफाइन करते हैं कि भाई आप एक्स एक्सिस में अगर एक मेजर ब्लॉक को देख रहे हो तो ये एक मेजर ब्लॉक 10 यूनिट्स के बराबर है और ये वाला जो मेजर ब्लॉक है ये 5 यूनिट के बराबर है। ऐसा हम एक डिफाइन करते थे यहाँ साइड में, एक्स एक्सिस का डेफिनेशन देते थे और वाई एक्सिस का भी डेफिनेशन देते थे। उसी तरीके से इस सीआरओ में भी इस स्क्रीन के रिजोल्यूशन का हम पहले सेटिंग करते हैं, ठीक। पहले हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो एक मेजर ब्लॉक है उसकी लेंथ कितनी है, उसके लिए हमने कितने वोल्ट स्टार्ट सोचा, या उसके लिए उसका जो टाइम डिवीजन है ये कितने, ये एक अगर हम ब्लॉक की बात करें तो कितने टाइम का है, 1 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, 4 सेकंड का है, कितना है, तो ये चीज हम पहले से डिसाइड करते हैं, देन हम इसमें ग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी जब लैब में इसको देखोगे सीआरओ को, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। इस बार मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग लैब में ही जाके, अभी इस बार आज तो नहीं, आज तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, तो नेक्स्ट क्लास में एक मिनट बेटा Although the students may be educated, no. Right.